जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर ब्यास नालंदा। अभी आप देख रहे हैं आज का जो विषय है मेडिकल और फिजिकल। फिजिकल और मेडिकल जो भी लड़के पास हो चुके हैं, चाहे झारखंड में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपको फ्री ऑफर देंगे। जैसे फ्री ऑफर आपको क्या देंगे, जैसे आप निकलेंगे फ्री ऑफर्स, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री पढ़ाई, फ्री, ये तीन चीज का आपको ऑफर देंगे आपको फंसाने के लिए। आपको ये आपको समझना होगा कि जो आदमी इस महंगाई में आज के समय में आपको रहने के लिए फ्री दे रहा है, खाना फ्री दे रहा है, पढ़ाई फ्री दे रहा है, अब ये बताइए जब आप तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे, उस समय ये लोग कहाँ थे? आपको फ्री क्यों नहीं दिया कि चलो भाई एक लीटर दूध पी लो मेरी तरफ से? लेकिन इनका मेन मकसद है आपकी मेहनत। आपने जो मेहनत करके मेडिकल पास हुए, दौड़ पास हुए, उसकी मलाई, जो मलाई है, ये फ्री सुविधा देने वाली संस्था, चाहे कोई भी व्यक्ति आपका गांव में, पड़ोसी में भी अगर कोई बोलता है कि चलो मैं आपको इस सेंटर में लेके जाता हूँ, वहां पर आपको फ्री सुविधाएं मिलेगी। अब देखिए ये आपको फ्री समझ गया यहाँ तक, अब मैं बताता हूँ फ्री में आपको कैसे जाल में लोग फंसाएंगे। आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो फ्री में आपको सब कुछ सुविधाएं देने का बाधा करेगा वो बोलेगा आपको RMDS। RMDS जो नंबर है और उसका कागज यानी कि जो स्लिप दिया हुआ आप मेरे को दे दीजिए। दूसरा बोलेगा डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है वो मुझे दे दीजिए, जमा कर दिए, तभी आपको फ्री वाली सुविधाएं मिलेगी। तो अच्छा ये बताइए कि जब आपको इतना सब कुछ दे ही दीजिएगा तो फ्री क्या है? अब आप समझिएगा। तीसरा चीज, आपका जो है सपोज सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन मान लीजिए आपका हो गया, तो क्या ये आपको जो आपका गिरवी रखा हुआ, आपको गुलाम बनाए हुए था, क्या आपका सिलेक्शन के टाइम मुफ्त में डॉक्यूमेंट्स देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आपसे इसके एवज में पैसों की मांग करेगा, कम से कम 5 लाख रुपया, जो आजकल का रेट जो इस तरीके से लोग संस्था चलाते हैं इस तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, जैसे उत्तराखंड के मैंने कर्नल साहब का वीडियो देखा, क्लियर बोलते हैं कि किसी प्रकार का इसमें कोई झोल नहीं है। भारत देश का सबसे बढ़िया अगर सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आर्मी का। मैं इसलिए तावर साहब कहता हूँ क्योंकि मैं डिफेंस हूँ, झूठ मूठ का बहलावा इस सब चक्कर में नहीं पड़िए, अपने बलबूते भरोसा रखें, खासकर पढ़ाई के लिए। अब आता है कि सिलेक्शन में आप कैसे पहचानेंगे? आप जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स रख लेगा, आपका मोबाइल जब्त कर लेगा। अगर आपको 12 घंटा पढ़ाने की क्या जरूरत है? कई लोग आपसे वादा करेंगे कि मेरा जो ऑफिसर एग्जाम ले रहा है उससे जान पहचान है। आपको रात में क्वेश्चन पेपर रटवा देंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, आपको जो लड़के पुराने जो एक दो भर्ती अटेंड कर चुके हैं, आप देख रहे होंगे कि रात में क्वेश्चन पेपर 12-1 बजे 2 बजे रात तक आपको जगाए रखेगा। लेकिन आर्मी भी बहुत इसमें एडवांस है, वो क्या करती है, रात में ही 2 बजे 3 बजे से आपको कैंपस में एंट्री ले लेगा। जैसे कैंपस में आपको एंट्री ले लेगा, आपका पूरा कपड़ा खुलवा देगा शरीर से, आपका मोबाइल से बैटरी निकलवा देगा, एकदम झोला को साइड में रखवा देगा। आपके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं, ना आप नाश्ता करने छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेगा, मात्र एक हाफ पैंट या अंडरवियर में आपको बिठा दिया जाएगा दूर दूर। ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं, ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं आर्मी। अब आप ये सोचिए कि कहाँ से आपको ये सब होगा। और दूसरा चीज, जो भी ऑफिसर होता है, PO प्रोजाइडिंग ऑफिसर, उसके पास ही उस समय जब आप लोग ग्राउंड में बैठ जाएंगे तभी क्वेश्चन पेपर उसके आएगा आईडी में, और वो उसी टाइम एकदम प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद पैक होगा, सील मोहर लगेगा और आपको वितरित किया जाएगा जब आप बैठे हुए रहेंगे, यानी कि 3 घंटा पहले से आपको एग्जाम में बैठा दिया जाएगा। अब ये कैसे संभव है कि आपको रटवा दिया जाएगा? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो कोई ये दावा करता है कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा, आप ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, तो वो आपके साथ क्या खेल खेलेगा, इस चीज को आप समझिए। सबसे पहले गेम को समझना जरूरी है अगर किसी खेल को खेलना चाहते, किसी काम को।
अभी आएगा आपको, मान लीजिए किसी संस्था में 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट चले गए, ये सारे किस लिए गए? कि नहीं ये संस्था हमको नौकरी देगा, चाहे बदले में सारा कुछ, मेरे डॉक्यूमेंट्स रख लिया, मेरा आईएनडीएस नंबर रख लिया, मेरा मोबाइल जब्त कर लिया, आपको भेड़ बकरी की तरह एक रूम में रख लेगा। रखने के बाद क्या करेगा? झूठ मूठ क्वेश्चन पेपर अटवाएगा। अरे अगर मान लीजिए आपका बहुत बड़ी पहुंच है तो 500 में से मैं कहता हूं ठीक है, आप 400 आदमी का अगर सिलेक्शन होता है आपकी संस्था से 500 में से, तब समझते हैं कि आपका पैर भी है। अगर 500 में से मात्र 50 नंबर, ये 50 लड़के 50 स्टूडेंट अगर सिलेक्शन हो रहे हैं 500 के रेशियो में, तो ये जो 50 लड़के हो रहे हैं वो अपने बलबूते हो रहे हैं, इसमें कोई कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। ये जो पढ़ा हुआ बच्चा है उसने पढ़ा है, मेहनत किया है, लेकिन इसके एवज में आप उसको अपना सारा कुछ गिरवी रख रखे हैं, आपने अपनी मेहनत से मेरिट लाया है, लेकिन आपसे वो पैसा ले लेगा और मजबूरी है आपकी उसको देना। इसलिए दोस्तों इन चक्रों में नहीं पड़िए। हमारी संस्था बिल्कुल 12 घंटे का प्लान बना के रखी है कि किस तरीके से पढ़ाना है, हमारे यहाँ किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स का कोई जरूरत नहीं है। आप आइए, जो यहाँ का फीस बहुत नॉर्मल है, कम से कम समय में मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका रिटर्न करवा के छोड़ूंगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम बना के रखा है, और आपको बताया था कि जो बाली, ये कोरोना से पहले जो बाली हुई थी, हमने मात्र 10 लड़कों को तैयारी करवाया था, उसमें 6 लड़के आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं, और वो भी अपने मेरिट पे। जो उन्होंने मात्र फीस दिया था उसी फीस पर हम लोग, उसके अलावा कोई ना तो उनसे डॉक्यूमेंट जमा किए, कुछ भी चक ने जमा किए, और ना ही उनसे बाद में कि आप नौकरी कर रहे हैं तो उससे पैसा लिया। अभी आपको ये समझना होगा कि जो फ्री का लालच दे रहा है आपको और उसके बदले में डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, आपको बहुत बड़े जाल में कर रहा है। आपका बाबूजी का कमाई, जो आपको गाढ़ी मेहनत से बेचारे गरीबी में कमाए, अपनी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए, शादी के लिए इकट्ठा करके रखें, वो आप उससे लेकर के अपने लिए दहेज मांग रहे हैं, ये सरासर गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा, मर्द बनिए, अपने बलबूते पर जाइए, और भारत माता की जय गर्व से बोलिए। किसी को सहारा लेके नहीं बोलना है कि नहीं मैं इसके सहारे से आया, और कोई सहारा नहीं देगा आपको। और मैं बहुत सारा चीज़ बताने वाला हूँ धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दलालों से दूर रहिए। वेलकम टू बुद्धा। थैंक यू। जय हिंद।